कहते हैं आयोडम एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। आयोडम के स्फेयर ऑफ एक्शन को समझते हैं और किस तरह के सिम्टम्स को ठीक करती है, हर एक सिम्टम्स को इलेबोरेट करके समझते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो कुछ बातें आपको जरूर समझ में आने वाली है। जल्दीबाजी ना करें, इलाज में जल्दीबाजी से नुकसान हो सकता है, इसलिए पूरा वीडियो ठीक से देखिए, कुछ बातें आपको जरूर समझ में आएंगी, बिना समझे आप इस वीडियो से नहीं जा सकते। तो देखिए, जो आयोडम है बेहतरीन मेडिसिन है, इसके पूरे स्फेयर ऑफ एक्शन को समझने के लिए सिर्फ एक लाइन की जरूरत है, और वो एक लाइन कहां से आती है, केमिस्ट्री से आती है। इसकी लोकेशन कहां पे है, किस टाइप के इसके मेंबर है, तो देखिए यहां पे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, यही है। ये सेवेंथ ए ग्रुप में पाया जाता है पीरियडिक टेबल के। तो देखिए, किसी के बारे में ठीक ठीक समझने के लिए उसके फैमिली मेंबर से भी मुलाकात करनी होती है, फैमिली मेंबर को भी जानना होता है कि उनका नेचर क्या है, तो वही हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो आयोडम है यानी जो आयोडीन है, इसी आयोडीन से आयोडम बना हुआ है। इसके फैमिली मेंबर ये हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और लास्ट वाला क्या है, आयोडीन। अब इन दोनों को अगर देखा जाए तो गैस है, ठीक है, और ये क्या है, लिक्विड है और ये सॉलिड है। तो अब ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, गैस की है, यानी ज्यादा मेंबर कैसे हैं, गैस है, एक मेंबर लिक्विड है और ये खुद लास्ट वाला क्या है, सॉलिड है। तो अब इसके अंदर देखिए टेंडेंसी है कि सॉलिड कन्वर्ट होना चाहता है किसमें, गैस में, ये सॉलिड कन्वर्ट होना चाहता है गैस में, यानी जो कुछ भी फूड मटेरियल खाता है वो सब गैस में कन्वर्ट हो जाता है। थोड़ा सा खाया पूरा पेट तन गया। तो आयोडम की ये नेचर है, उसके फैमिली मेंबर से हम लोग डिराइव कर सकते हैं कि ये खुद गैस में जाना चाहता है ना, ये सॉलिड है, गैस में जाना चाहता है, क्योंकि अधिकतर मेंबर उसी टाइप के हैं। जैसे किसी एक फैमिली मेंबर में अगर अधिकतर लोग शराबी हैं तो बच्चा भी कोशिश करता है शराब पीने की, या फिर किसी फैमिली मेंबर में बहुत बेहतरीन लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो बच्चा भी कोशिश करता है कि हम लोग भी उसी तरीके से पढ़ के आगे बढ़ेंगे। तो दोनों चीजें प्रोपेगेट करती हैं, अच्छाई भी और बुराई भी। तो यहां पे आयोडम के साथ यही है कि जो कुछ भी खाता पीता है सब गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि जो सॉलिड है कम स्थान घेरता है और गैस जो है ज्यादा स्थान घेरती है ना, सॉलिड थोड़े से स्पेस में आ जाएगा और उसी को अगर आप गैस में कन्वर्ट कर देंगे तो ज्यादा स्पेस लेगा। तो यहां पे कम जगह में हो जा रहा है, यहां पे ज्यादा स्पेस चाहिए, और ज्यादा स्पेस चाहिए तो मतलब सूजन आएगी, साइज क्या होगी, बढ़ेगी, सूजन आनी तय है। और सूजन आने के दो फैक्टर, दो टाइप के संभावनाएं हैं। एक संभावना है कि देखिए ये पहले इतना छोटा सा आर्गन था, इस तरह से ये बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, और दूसरे में भी बड़ा हो गया, यानी इनिशियल स्टेज ये है फर्स्ट, और ये बीमारी वाली स्टेज है सेकेंड, ठीक। तो एक हाइपरट्रॉफी होती है, एक हाइपरप्लासिया होती है। हाइपरट्रॉफी में केवल साइज बढ़ गई है, और हाइपरट्रॉफिया प्लेसिया में क्या होता है कि सेल की संख्या बढ़ जाती है। तो एक में सिर्फ साइज बढ़ी है और एक में सेल की संख्या बढ़ गई है। तो सेल की संख्या बढ़ गई है तो ए सिचुएशन है, और सेल की साइज बढ़ गई है तो ए है। तो यहां पे हाइपरट्रॉफी है, यानी सेल की संख्या नहीं बढ़ी है, सिर्फ उसका आकार बढ़ गया है, साइज बढ़ गई है। तो देखिए, कम स्पेस में था, गैस में कन्वर्ट हुआ तो ज्यादा स्पेस चाहिए। तो बॉडी के जितने भी ग्लैंड्स हैं उनकी साइज बढ़ गई है। साइज बढ़ने के पीछे का कारण क्या है कि हर एक सेल्स ने अपने आकार को बढ़ा कर लिया है, संख्या वही है, यानी पहले 10 सेल थी तो अब भी 10 सेल है। जैसे हिमालय जी कोई एक आर्गन है, इसमें 10 सेल पहले थी, अब भी 10 ही सेल है, लेकिन हर एक सेल की साइज क्या हो गई है, बढ़ गई है, इस वजह से ओवरग्रोथ है। तो इंड्यूरेशन ऑफ ग्लैंड, कहीं पे भी ग्लैंड बढ़ जाती है साइज में, अगर ये दो
आपको कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं तो आगे की पूरी बात समझने वाली है। तो देखिए यहां पे लिखा है एज इफ एवरी पार्टिकल ऑफ फूड टर्न इनटू गैस, यानी थोड़ा सा खाया गैस ज्यादा बन गई, हर एक पार्टिकल गैस में कन्वर्ट हो गया है। और खास बात ईटिंग वेल लूजिंग वेल एंड इमेसिएट, खूब खाता है और लूज भी खूब करता है, डायरिया डिसेंट्री भी खूब होती है, तो इमेसिएट करेगा चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़े लोग हैं। भूख खूब ज्यादा लगती है, खाते खूब ज्यादा हैं, लेकिन बॉडी में कुछ लगता नहीं, पतली दुबली पतली बॉडी है। तो ईट वेल लूज वेल, लूज मोशन होता है, डायरिया डिसेंट्री होती है, बार बार होती है, तो जो कुछ भी खाया फूड मटेरियल ऐसे पास हो जा रहा है, बॉडी में लग ही नहीं रहा है, तो बॉडी इमेसिएट करेगी। एक लिंडमैन साइंटिस्ट, उन्होंने बताया कि जो कुछ भी हम लोग खाते पीते हैं उसकी 10% एनर्जी ही बॉडी को मिलती है, 10% ला है, गूगल पे सर्च करने मिलेगा। तो उस 10% ला के अनुसार जो कुछ भी फूड सप्लीमेंट लेते हैं उसका 10% बॉडी को यूटिलाइज हो जाता है, फंक्शनल कंपोनेंट बनाता है। तो यहां पे वही है कि खूब अच्छे से खा रहे हैं, अच्छे से लूज भी कर रहे हैं, बॉडी भी मेसिएट कर रही है। और हाइपरट्रॉफी यानी सेल की साइज बढ़ गई है, संख्या नहीं, सेल की सिर्फ साइज बढ़ गई है। जैसे यहां पे पहले एक सेल था, अब भी एक सेल ही है, साइज बढ़ गई है। यानी पहले 10 सेल, मान लीजिए 10 सेल से बना हुआ कोई अंग था, तो अब भी 10 सेल ही है, लेकिन हर एक सेल की साइज बढ़ने की वजह से अंग बड़ा हो गया है। तो हाइपरट्रॉफी एंड इंडोरेशन ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू, जो ग्लैंड वाले टिश्यू है ना, जो मटेरियल सिक्रेट करते हैं, उनकी साइज बढ़ गई है। जैसे थायराइड, ब्रेस्ट, टेस्टिस, प्रोस्टेट, इसी तरीके के और भी, तो जितने भी ग्लैंड हैं उनकी साइज नॉर्मल, एक प्रोबेबल जो आकार होता है उससे बड़ी हो गई है, तब आप आयोडीन के बारे में सोचें। और स्वेलन एंड डिफॉर्म जॉइंट्स आफ्टर एक्यूट अटैक ऑफ रूमेटिज्म, यानी एक बार रूमेटिज्म हुआ था और हड्डियां टेढ़ी हो गई, हड्डियों में सूजन जैसे आ गई, डिफॉर्म्ड हो गई। तो डिफॉर्म होने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई फिंगर है इस तरह से, जैसे नॉर्मली ये फिंगर इस तरह से, यहां पे इस तरह से ऐसे ज्वाइंट्स हैं, तो यहां पे जो ज्वाइंट्स हैं ये बड़ी हो गई हैं, डिफॉर्मिटी आ गई है, हड्डियां टेढ़ी हो गई हैं, टेढ़ी क्योंकि बेतरतीब ढंग से उनमें ग्रोथ हो गई है, कहीं की संख्या सेल की जो साइज है वो बड़ी हो गई है। तो एक बार रूमेटिज्म हुआ, हड्डियां टेढ़ी हो गई, स्वेलन एंड डिफॉर्म जॉइंट्स आफ्टर एक्यूट अटैक ऑफ रूमेटिज्म। और परसिस्टेंट हेडेक एंड वर्टिगो इन ओल्ड पीपल, जिनकी एज 50+ है, 60 के आसपास है, उससे प्लस है, उनमें लगातार सर दर्द किया करता है और चक्कर भी आ रहा है। उसका कारण क्या है कि उनकी बॉडी को नरिशमेंट नहीं मिल पा रहा है, न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, पोषण नहीं मिल पा रहा है, तो सरदर्द करेगा, चक्कर जैसा आएगा। और ओल्ड पीपल में अगर ऐसा हो रहा है और लगातार हो रहा है, सभी दवाएं अनुपयोगी हैं, काम नहीं कर पा रही हैं, तो उस केस में आप सोच सकते हैं कि आयोडीन इसका हो सकता है। इस तरह से काम की बात जरूर समझ में आई होगी। और ऐसे इंडिकेशन अगर आपको मिलते हैं तो आप आयोडम के बारे में सोचें, आयोडम सेलेक्ट करें। और आयोडम लेने का तरीका क्या है कि पोटेंसी हमेशा लो से स्टार्ट करनी चाहिए, लो से अपर हायर की तरफ जानी चाहिए, तो पहले लोअर पोटेंसी दें, उसके बाद सक्सेसिवली बढ़ते जाएं। तो लोअर पोटेंसी की अगर बात आती है तो आयोडम 3x में दीजिए, अगर छोटा बच्चा है तो 2 टैबलेट और बड़े हैं तो 4 टैबलेट दीजिए। तो यहां पर हम लोग बल्क डोज देखते हैं, 4 टैबलेट जीभ पर सुबह और शाम दीजिए, 3x के बाद 6x, 12x, इस तरह से बढ़ इसकी पोटेंसी बढ़ाते जाएं। 25 ग्राम का छोटा सा पैक आता है उसको यूज कर लें, 3x वाला, उसके बाद 6x वाला, इस तरह से पोटेंसी इसकी बढ़ाते जाएं, आपकी बीमारी कम होती जाएगी।
इस तरह से काम की बात समझ में जरूर आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करना बनता है, शेयर भी कर दीजिए, किसी और को इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी और उसकी भी जानकारी बढ़ जाएगी। तो वो भी एक आदमी कई बीमारियों की, कई लोगों की बीमारियों को ठीक करने की संभावना को देख सकता है। जिस तरह से बात पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कर लें। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।